हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। ठंडा बहुत बढ़ गया है दोस्तों, ऐसे में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो चलिए आज बनाते हैं झटपट बनके तैयार हो जाने वाला रेसिपी तहरी। ये है 2 कटोरी स्टीम राइस। ये रेगुलर चावल है जिसे हम लोग डेली खाते हैं। आप इसे बासमती राइस से भी बना सकते हैं या अरवा चावल, कच्चा चावल जिसे बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो इसे पहले धो लेते हैं। चावल अच्छे से धो लिए हैं, अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि चावल अच्छे से डूब जाए। अब इसे इतना ही देर पानी में रखेंगे जितना देर में सब्जी वगैरह हम फ्राई करेंगे। बहुत देर तक चावल भिगा देने से तहरी गीला गीला हो जाएगा। कुकर गरम करेंगे। आज हम तहरी कुकर में बना रहे हैं और फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच घी। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग। इसे थोड़ी देर भून लेंगे इसका कच्चापन जाने तक। जीरा अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज, 4-5 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, इसे इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे मीडियम साइज में कटा हुआ 2 बड़े साइज का आलू। आलू आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर प्याज के साथ भूनेंगे। इस तरह से आलू के साथ प्याज भून जाने से बहुत अच्छा टेस्ट आलू में आ जाता है। 2-3 मिनट आलू भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 गाजर बड़े बड़े टुकड़े में कटे हुए। इसे भी आलू के साथ 2 मिनट भूनेंगे। ये सब सब्जी जो लेट से पकता है उसे पहले डालेंगे और जो जल्दी पक जाता है सब्जी उसे बाद में डालेंगे। गाजर भी 2 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च और बीन्स। अब इसे डालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट भून लेंगे। सारी सब्जियों को भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला या मीट मसाला। इससे तहरी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सारे मसाले को अच्छे से भुनेंगे इसका कच्चापन जाने तक। 2-3 मिनट मसाला भुनने के बाद अब इसमें डाल देंगे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में कटे हुए फूल गोभी और डालेंगे 1 कटोरी फ्रेश मटर। इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट और भून लेंगे। और लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे दोस्तों, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ और इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और सब्जी भी पक गया है। अब इसमें डालेंगे चावल जिसे अभी हमने भिगा कर रखा था, पानी इसका सारा निकाल दिए हैं। बहुत टेस्टी और एकदम आसान सा रेसिपी है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब चावल को अच्छे से 2-3 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। 2-3 मिनट चावल भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी डालना है जितना चावल लिए हैं उसका दुगना। तो इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल नापा था तो इस कटोरी से नापकर 4 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप कच्चा चावल का तहरी बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम कर देंगे, 3.5 कटोरी ही पानी डालेंगे। अब कुकर में ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम में 1 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। 1 सीटी आने के बाद कुकर से सारा प्रेशर निकल गया है। अब इसे खोल लेंगे, हल्का सा प्रेशर बचा हुआ था, अब इसे खोलेंगे।
और देखिए दोस्तों कितना खिला खिला चावल दिख रहा है। अब इसे ऐसे ही 10 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। 10 मिनट रखे तहरी हो गया है और थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे सर्व कर लेंगे। पहले इसे इस तरीके से हल्के हाथ से चावल इस तरह से निकाल लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों एकदम खिला खिला चावल बना है और टेस्टी भी बहुत है, तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने और भी कई तरह के पुलाव का रेसिपी शेयर किया है दोस्तों, जिसका लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। अब आप इसे रायता, दही या चटनी के साथ सर्व कीजिए।